हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम राउंड नेक का एक डिज़ाइन बनाएंगे और इसे बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 9 इंच और लंबाई तकरीबन 11 इंच मैंने ली है। अब इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और एक लंबा राउंड नेक बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 10 इंच ले रही हूँ गले की। इसके अंदर हमें कपड़ा लगाना है, इसलिए इसकी लंबाई मैं ज़्यादा ले रही हूँ। यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इसे कट करेंगे। अब ऊपर से जहाँ से हमने चौड़ाई 3.5 इंच ली थी, वहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, यानी कि चौड़ाई हम 3 इंच तैयार करेंगे। अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसे एक तिरछी लाइन से यहाँ पर जोड़ देंगे और अब इस गले की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे गले का एक हिस्सा तैयार हो जाएगा। अब अंदर वाला हिस्सा बनाने के लिए हमें ये जो बुकरम हमने काट के अंदर से अलग की है, इसी के ऊपर निशान लगाएंगे हमारे गले की लंबाई। जितना भी लंबा आप गला पहनते हैं, उस हिसाब से आप लंबाई यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा के गला ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसे कट करेंगे। अब एक और बुकरम का टुकड़ा लेंगे और इस गले को उसके ऊपर ट्रेस करेंगे। इस तरह से इस गले को ट्रेस करेंगे और अब इसे कट करके अलग करेंगे। और ये हमारे गले का दूसरा हिस्सा बन गया है। अब इन दोनों गलों को हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। ये देखिए, इन दोनों नेक्स को हम कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे और इसे कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। इस तरह से। अब ये ब्रोकेड का फैब्रिक मैंने लिया है जो हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, और जो सबसे लंबा वाला गला हमने कट किया था, उसके साइज़ के हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे। उससे थोड़ा सा लंबा यानी 2 इंच एक्स्ट्रा ही हमें कट करना है। इस तरह से। अब सबसे पहले हम छोटे वाला जो गला हमने कट किया था उसे तैयार करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कच्चा टांका लगाएंगे। और जो हमने ब्रोकेड का पीस कट करके डिज़ाइनिंग के लिए अलग किया था, उसके ऊपर हम इस गले को बनाएंगे। ये देखिए, इस पीस के ऊपर हमें ये गला बनाना है इस तरीके से। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और छोटे छोटे नॉचेज लगाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और कच्चा टांका लगा देंगे इसके ऊपर। साइड से एक्स्ट्रा धागे कट करके इसके ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे ताकि इसके धागे निकले नहीं। अब ये लंबा वाला गला हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे और इसे कुर्ते के ऊपर बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। अब क्योंकि ये गला लंबा है, तो इसलिए सबसे पहले इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये टेढ़ा भी हो सकता है। अब इस तरीके से इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। बिल्कुल जैसे बेसिक राउंड नेक बनता है, उसी तरह से हमें इसको कुर्ते के ऊपर बना लेना है। और अब जो हमने ब्रोकेड के कपड़े पे डिज़ाइनिंग के लिए गला तैयार किया था, उसे इसके नीचे इस तरीके से रख के पिंस लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए,
पिंस लगाने से ये जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इसलिए पिंस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर हमें कच्चा टांका करना है, पक्की सिलाई हमें नहीं लगानी है इसके ऊपर। हम इसको इस तरीके से सिलेंगे कि ऊपर से कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। गुम सिलाई लगा के हमें इस गले को बनाना है। अब पिंस हटाएंगे और ये देखिए नीचे की तरफ बुकरम के ऊपर हम सिलाई लगा के इस ब्रोकेड के फैब्रिक को हमारे गले के साथ जोड़ेंगे और ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ से नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके बिल्कुल अच्छे से शेप में इसको कट करेंगे और इसके बाद हम इसको इंटरलॉक करेंगे। अंदरूनी फिनिशिंग के लिए हम इसको ये देखिए इस मशीन से इंटरलॉक कर लेंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ के तुरपाई भी कर सकते हैं। अब ये हमने इंटरलॉक कर दिया अच्छे से, इससे इसके धागे भी नहीं निकलेंगे और अंदर से फिनिशिंग भी रहेगी। और अब अंदर की तरफ तुरपाइयाँ करके इसके सारे के सारे कच्चे टांके हम निकाल देंगे। और इसके साथ ही हमारा ये गला बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही सफाई से हमारा ये गला बना है। इसके ऊपर हमारी ये सिलाई नज़र नहीं आएगी और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये गला बनके रेडी हो गया। अब इसके साथ ही घेरे और बाजू का डिज़ाइन भी मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए घेरे और बाजू के लिए मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ली है जो कि हमारे ब्रॉकेट के फैब्रिक के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रही है। और ये मैंने 1 4 इंच चौड़ी पट्टी कट की है घेरे के लिए, तो इसके ऊपर लेस लगाएंगे इस तरीके से उल्टी तरफ लेस को रख के। और एक सिलाई मैं लगा रही हूँ यहाँ पे और अब इसे पलट के सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से लेस लगाने पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते और हमारा कोई भी धागा जो है उल्टी तरफ या उल्टी तरफ नज़र नहीं आता। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से हमारा ये लेस लग जाता है। और अब इसे हम कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको अटैच कर रही हूँ कि ये जोड़ जो हमारा है ये फ्रंट साइड पे नज़र आए, बैक साइड पे ये जोड़ नज़र ना आए। और अब इस जोड़ को आगे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और अब हम इसके ऊपर लेस लगा के इसको कवर करेंगे। इस तरीके से जोड़ लगाने पर पिछली साइड से धागे नहीं नज़र आते और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये बॉर्डर अटैच हो जाएगा घेरे के साथ। ये देखिए और इसी तरह से हमें बाजू को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे घेरे पर ये बॉर्डर अटैच हुआ है। ये देखिए और बिल्कुल इसी तरह से मैंने बाजू को भी रेडी किया है। इस कुर्ते के लिए मैंने आधी बाजू बनाई है, आप चाहें तो फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं और आप चाहें तो गले के आगे बटन्स भी लगा सकते हैं गोल्डन कलर के। ये देखिए ये हमारा गला और घेरा बन के तैयार हो गया है। जो लेस मैंने ली है वो बिल्कुल इसके साथ मैचिंग है और बाजू के ऊपर भी इसी तरह से मैंने एक तरफ लेस लगाई है। ये देखिए तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक बचे हुए ब्रॉकेट के बॉर्डर से मैंने इस पूरे प्लेन कुर्ते को एक डिज़ाइनर लुक दी है। इसी तरह से आप अपना कोई भी फैब्रिक नॉर्मल फैब्रिक को यूज़ करके भी डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास प्लेन कुर्ता है तो आप प्रिंटेड फैब्रिक का इस्तेमाल करके भी उसको इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें।
तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।